अंतर्राज्यीय ऑनलाइन शॉपिंग ETPS कंपनी के डायरेक्टर व डेवलपर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से 17 लाख रुपए कीमत की ऑडी कार, दो लैपटॉप, 8 ATM कार्ड व 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में ये पता लगाने में लगी हुई है कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है। अब तक की पूछताछ के अनुसार इस कंपनी में विदेश के निवेशक भी जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों के हजारों लोगों से करीब 1-2 करोड़ रुपए की राशि के ठगी के आसार हैं। चंद्रशेखर साहू जो रामानुज नगर के निवासी हैं, उन्होंने एक शिकायत की थी कि ETPS ब्राइटकॉम इकोसॉफ्ट करके कंपनी में उन्होंने कुछ राशि निवेश की थी और कंपनी एब्सोल्युटली ऑफलाइन हो गई है। उसके बाद में 420 और 120 बी के तहत में इसमें जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के और इन्वॉल्व लोग हैं उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च की गई थी। इसमें 2 लोगों की अब गिरफ्तारी की गई है, एक ब्रिजेश यादव जो धमतरी के रहने वाला है और उमेश गायकवाड़ जिसे नवी मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। टोटल 17 लाख की अमाउंट की जब्ती की गई है जिसमें ATM कार्ड्स, जो प्रयुक्त लैपटॉप्स थे, साथ में एक ऑडी गाड़ी इनसे सीज़ की गई है। और लगभग हमारे यहाँ से 192 निवेशकों ने 10 लाख रुपए का ऑलरेडी निवेश अमाउंट किया था। पूछताछ में सामने आया है कि लगभग छत्तीसगढ़ प्रदेश से 1 करोड़ की आसपास राशि निवेशकों द्वारा इस कंपनी में निवेश की गई। सूरजपुर में कब से इनकी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं? सूरजपुर में शिकायत हमें लास्ट मंथ मतलब नवंबर के महीने में प्राप्त हुई थी और सन 2020 और 21 में लोगों ने इसमें निवेश किया। और आरोपी हो सकते हैं क्या? इसमें अभी डायरेक्टर्स कंपनी के 2 ही थे नामजद, लेकिन और लोगों की संलिप्तता की संख्या है, उसमें आगे विवेचना की जा रही है। और कोई FIR की बातें हैं क्या इस मामले सूरजपुर जिले से? नहीं, अभी सभी एक ही FIR ड्रॉप की गई है, बाकी जो निवेश थे उनको एस गवाह इस FIR में शामिल किया। TCP 24 के लिए सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट।